हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग जयतो। जय श्रील गुरुदेव की जय। जय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की जय। हरि बोल। शुद्ध भक्ति अर्जन करने का तरीका क्या है? भक्ति का बारे में तो बहुत सुना है। भक्ति ही एकमात्र भगवत पाद पद्म प्राप्ति का उपाय है। अगर भक्ति का स्वीकार ना करे तो कभी भी भगवान का कृपा कोई पा नहीं सकता है। लेकिन उसी भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं होने से चलेगा, उसी को शुद्ध भक्ति भी होना पड़ेगा। तो शास्त्रों का बारे में कहता है, भक्तिस्तु भगवत भक्तो संगेन परिजायते। यानी भक्ति का प्राप्ति तब होता है अगर शुद्ध भगवत भक्त का संग करे। इसी के बारे में क्यों बताया? दृष्टांत स्वरूप हम लोग कह सकता हूं, दूध बहुत ही पुष्टिकर पानीय है। दूध पीने से ऐसा कोई पुष्टि नहीं जो नहीं मिलता है, लेकिन उसी दूध में अगर सांप मुख डाल दे तो उसी दूध जहर बन जाता है और वो जीवन नाशक हो जाता है। तो ऐसा शुद्ध भक्त का श्रीमुख से भगवान का कथा श्रवण करने से ही भक्ति का प्रादुर्भाव यानी आविर्भाव या उदय हो जाता है। हमारा हृदय से जितने प्रकार का गंदगी हो निकल कर उसी को शुद्ध करते हुए, उसी को सफाई करते हुए इसमें कृष्ण उन्मुखता भाव विराजमान होता है। लेकिन अशुद्ध भक्त है तो ठीक दूध में सांप मुख देने जैसा उसी कथा श्रवण से भक्ति का क्षय हो जाता है। लेकिन ये शुद्ध भक्त का संग कैसा मिले? बताया, सत्संग प्राप्यते पूर्व जन्मय पुंभी सुकृति संचित है। यानी पूर्व जन्म का राशि राशि सुकृति जमा है तो उसका द्वारा ही ये सत्संग प्राप्ति हो सकता है। तो ऐसा हम लोग देखा शास्त्र में, बताया भगवान कपिल देव ने अपना माता देवहूति को यही उपदेश दिया, माँ आप हमेशा निरवधि शुद्ध भक्त का संग करें। इसी से क्या होगा? आपका दुष्संग चला जाएगा, भव बंधन छूट जाएगा। अगर जितना दिन दुष्संग दूर ना हो तो हमारा हृदय पत्थर जैसा हो जाएगा। आचार्य वर्ग कहता है, दुष्ट संग पल नाबजिनु हाय, साधु काशे जेते चित्त नाही चाय, असतेरे संगे थाकिया सतत चित्त होलो वज्र प्राय। ये दुष्ट संग ऐसा है जो हम लोगों का साधुओं का यानी भगवत भक्तों का संग करने से दूर रखता है, कभी भी वहां पे जाने नहीं देता है। और ऐसा करते 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 एक समय हमारा हृदय पत्थर बन जाता है। कृष्ण बहिर्मुखता इतना बड़ा रूप ले लेता है जो उनका द्वारा भजन संभव ही नहीं होता है। तो इसलिए उसी दुष्संग को दूर करने के लिए हमेशा भगवत भक्त का संग करना चाहिए। और उसी भगवत भक्त का संग करते ही हम लोग शुद्ध भक्ति का अर्जन कर सकता हो। अरे शुद्ध भक्ति गोविंद पाद पद्मों का जो नित्य सेवा प्राप्ति करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सभी भक्तों का चरण में ही विनती निवेदन, भक्ति करना है तो शुद्ध भक्ति का पालन करें। जगत में देखावा माफिक भक्ति करने से कभी भी हम लोगों का मनुष्य जन्म का सारे जीवों का जो अंतिम लक्ष्य श्री श्री राधा गोविंदों का नित्य सेवा प्राप्ति करना वो संभव नहीं है। हरि बोल।